आपका न्यूजीलैंड भारत में आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। झारखंड झरोका देख रहे हैं आप। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ करेंगे जो बोकारो से आई है, जहां कसमार प्रखंड स्थित राज खाद्य निगम गोदाम से 2409 क्विंटल अनाज गायब होने के मामले में उपायुक्त के निर्देश पर 4 सदस्यीय जांच टीम ने जांच शुरू कर दी है। आवासीय दंडाधिकारी मनीषा वत्स की अगुवाई में टीम ने कसमार के अनाज गोदाम की जांच की है। जांच के दौरान गोदाम के बक्से में मिले कागजात को भी टीम ने सील कर दिया है। इस दौरान टीम ने सभी गोदामों का निरीक्षण किया है। जांच टीम के सामने पूर्व एजीएम जितेंद्र भगत ने खुद से कागजात कमेटी के सामने पेश किया है। टीम ने पूर्व और वर्तमान दोनों एजीएम को फटकार भी लगाई है। तो गोदाम से गायब हुए अनाज का ये मामला है। इसमें 4 सदस्य टीम का गठन किया गया था और वो टीम पहुंची है जांच करने के लिए और कागजात की जांच की है और कुछ कागजात सील भी किए हैं। आरोप जितेंद्र भगत पर है, उन्हें फटकार भी लगाई है टीम ने। तो आए हैं, हमको उम्मीद है कि हमको न्याय मिलेगा, हम निर्दोष हैं। खदान वितरण किया, वितरण और उठाव के दौरान जो रेशियो था, जिस माह में खदान का उठाव हो रहा था उस माह का खदान पिछले माह में वितरण में जा रहा था। उसे लगा कि जिस ये तो करंट महीने का खदान आता, करंट महीने में वितरण करना होता। सरकार का नियम भी बना जनवरी से कि जिस माह का अनाज आता उसी माह में उसको करंट महीने में देना है। पहले नहीं होता था, पहले पता नहीं, हमको जानकारी भी नहीं है। आरोप तो आप ही पर लग रहा है, लगाने का तो कुछ भी हो सकता है। स्टॉक का मिला था, स्टॉक का मिलान किया? जी हाँ, स्टॉक मिलान करके इसको चार्ज दिए? जी हाँ। फिर इतना शॉर्ट कैसे बता रहे थे? अब इसको तो अब एक महीना ऑपरेट करने के बाद अगला कह रहा है तो वही जानेंगे ना। आपको स्टॉक मिलाने में कितना समय लगा? हमको एक महीना टाइम लगा था। इनके साथ स्टॉक कितना दिनों मिला? किनके साथ? इनके साथ, इनके साथ हम स्टॉक नहीं मिलाए। क्यों नहीं? प्रभार देने के साथ तो नियम है ना कि स्टॉक मिला। तो वो अपना बोरा सब गोदाम को देखे कि हाँ भाई गोदाम भरा हुआ है तो हम संतुष्ट हैं। सर सर ने एक कमेटी का गठन किया है, 4 सदस्यीय कमेटी है ये, जिसमें कि जो खाद्यान्न है गोदाम में उसमें कुछ कमियाँ पाई गई हैं, उसी की जाँच के लिए हम लोग आ जाए हैं। और अभी जाँच जो है वो जारी है और एक बार जाँच कम्प्लीट होने के बाद हम लोग रिपोर्ट जो है। तो गोदाम से अनाज गायब हुआ है, इस मामले में 4 सदस्यीय टीम आज पहुंची है जांच करने और जो पूर्व के प्रभारी हैं और जो वर्तमान में प्रभारी, दोनों से बातचीत की गई है, कागजों का मिलान किया जा रहा। सीधे सुरेंद्र के पास चलेंगे, हमारे सहयोगी हमारे साथ है। सुरेंद्र, जिस तरह से जितेंद्र भगत से कल हमारी बात हुई, उन्होंने इस मामले से इनकार कर दिया कि उन्हें इस बात की भनक तक नहीं है कि इतना बड़ा आरोप लगा है, जांच हो रही है, तमाम तरह की बातों को उन्होंने बताया कि उन्हें कुछ भी मालूम नहीं है। आज वो उपस्थित हुए थे और उन्होंने बातों बातों में आप लोगों के सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने ये बात कहा कि स्टॉक का मिलान नहीं हुआ था प्रभार देने के वक्त। मामला भी यही था, प्रभार तो दे दिया गया था लेकिन स्टॉक का मिलान करने की बार बार जो वर्तमान में पदाधिकारी वो मांग कर रहे थे, बावजूद उसके स्टॉक का मिलान नहीं किया जा रहा था। और यह बात तब पता चला जब हरेंद्र कुमार ने अनाज जो आया था डीलर को देने के समय में जब देखा कि जो जनवरी माह का आया है माल और उसको जब डीलरों को देने के लिए वो जाने लगे तो माल शॉर्ट कर गया। तो इससे पता चल रहा था कि यह शॉर्ट जो पूर्व में एजीएम है उनके द्वारा ही शॉर्ट किया गया है। और कई बार कहने के बावजूद भी जो गोदाम में माल रखा हुआ था उसका मिलान नहीं किया था। हमने कल यह खबर प्रमुखता से चलाई थी। अब बोकारो उपायुक्त ने 4 सदस्यीय टीम इसमें गठित की थी और आज वो 4 सदस्यीय टीम वहां पर पहुंची और जिस तरह से कई कागजात जो कि जितेंद्र भगत है जो पूर्व के थे कार्यकर्ता प्रभारी वो अपने पास कागजात रखे हुए थे, बहुत डांट फटकार के बाद वो कागजात गोदाम से ही ला कर देते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि गोदाम की दो गोदाम की चाबियां अभी भी जितेंद्र भगत के पास ही थी, क्योंकि जिस तरह से हरेंद्र कुमार का कहना है कि हमने कहा कि हम प्रभार तभी लेंगे जब हमें स्टॉक का मिलान कर आप दीजिएगा, सही कहना है कि किसी भी जो पूर्व के पदाधिकारी है उन भी प्रभार देते हैं तो सारा चीजों का मिलान होना चाहिए लेकिन इससे वो मिलान नहीं कर रहे थे। और एक बात सामने आई कि जब प्रभार नहीं दे रहे थे तो इन्वेंट्री भी निकाली गई थी, दंडाधिकारी भी नियुक्त किया गया था ताकि ताला तोड़कर गोदाम का सभी गोदाम से जो खाद्य सामग्री है उसका मिलान किया जाए तब प्रभार दिया जाए, लेकिन
जैसे ही लेटर निकला वैसे ही जितेंद्र भगत सामने आते हैं, सीओ के सामने आते हैं और वो कहते हैं कि हम आ गए प्रभार देने के लिए। तो कहीं ना कहीं जितेंद्र भगत पर जिस तरह से सवाल किए जा रहे हैं, सवाल उठाया जा रहा है, तो ये टीम जांच करिए। और जो मनीषा भगत जो आवासीय दंडाधिकारी है और वहाँ जो कसमार के सीओ बीडीओ और डीओ सब वहाँ पर मौजूद थे, जो चार सदस्यीय टीम है, उन्होंने सभी कागजात को अपने कब्जे में कर लिया और जैसा कि पूर्व के कई कागजात थे जो बक्से में रखे हुए थे गोदाम में, उसे भी सील कर लिया है। सुरेंद्र, जिस तरह से जो जांच चल रही है, जांच के बाद रिपोर्ट आने के बाद ये पता चलेगा कि दोषी कौन है। हालांकि अभी आरोपी है, दोनों ही आरोपी है, क्योंकि जितेंद्र भगत ने प्रभार देते समय स्टॉक का मिलान नहीं करवाया, ये उनके एंड से गलती है। मगर हरेंद्र भी इस मामले में गलत साबित इस मुद्दे पर हो रहे हैं कि उन्होंने जब चार्ज लिया तो उन्हें स्टॉक का मिलान जरूर कराना चाहिए था। जी बिल्कुल, बार बार वो लिखित में भी दिया गया है, स्टॉक की मिलान करने की बात कही है, उन्होंने साफ तौर से कैमरे के सामने भी कहा, पूर्व में भी आवेदन में लिखा है कि स्टॉक का मिलान नहीं किया जा रहा था इसलिए हमने प्रभार नहीं लिया है। और जिस तरह से जितेंद्र भगत के द्वारा स्टॉक की सारी सूची बनाकर दी गई थी, उन सूचियों के माध्यम से जब वह अनाज का वितरण करने लगे तो पता चला कि स्टॉक में गड़बड़ी है, तब वो उन्होंने अपने आला अधिकारी या बड़े पदाधिकारियों को सूचना दी लेटर के माध्यम से, तब जाकर यह मामला सामने आया। जी आरिफ। चलिए सुरेंद्र, आप नजर बना के रखिए, ये जो कमिटी आई है, जांच कमिटी, ये जांच करती है और उसके बाद क्या रिपोर्ट सौंपती है, उस रिपोर्ट के आधार पर ये पता चलेगा कि दोषी कौन है और अनाज किसने खाया है। बहुत शुक्रिया सुरेंद्र आपका इस खबर को प्रकाश में लाने के लिए और हमसे जुड़ने के लिए तमाम जानकारियों को लेकर। बहुत शुक्रिया आपका सुरेंद्र। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।